Hello everyone, hi, my name is Urvashi Joshi and this is my channel 333 High Breezes. दोस्तों अब ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये मैं इसलिए बना रही हूँ कि आज जो ये जनता कर्फ्यू हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, तो प्लीज़ आप लोग इसे सपोर्ट करें, ठीक है. दिस इज़ नॉट अ कर्फ्यू एक्चुअली, इट इज़ अ केयर फॉर यू, ठीक है. तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमसे चाहती क्या है, सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ हमसे चाहते हैं कि हम अपना ख्याल रखें, हम अंदर बंद रहें, अंदर रहें, और जब तक उन्हें बाहर कुछ चीज़ें सुधार करनी है वो अपना काम करें. और इस टाइम पीरियड में हम अपनी सफाई और अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें. तो कोई किसी और के घर को पेंट करने वाली बात तो वो कर नहीं रहे ना, वो तो ये चाह रहे हैं ना कि हम जो हैं वो अपनी सुरक्षा पे ध्यान दें, है ना. अपने हाथों को धोएं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखें, दिन में कई बार हाथ धोएं, और क्या बोलते हैं, बेसिकली वो चाह क्या रही है हमारी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट सिर्फ यही चाह रही है कि हम लोग जो हैं अंदर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे ना जाएं, ठीक है. और हम अपनी क्लीनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और अपने इम्यूनिटी सिस्टम पे फोकस करें कि अपने, ठीक है. तो हमारी गवर्नमेंट जो हमसे चाहती है, हमें कम्प्लीटली पूरी तरीके से मुझे लगता है कि उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है. आज मैं सुबह उठी, मैं शॉक्ड कि अमेजोन वाला बुक लेके आ रखा था घर पे मतलब मैंने बुक्स ऑर्डर कर रखी है ना, वो शॉक कि वो गेट पे खड़ा हो रखा है. मैंने बोला ये क्या है, थोड़ी देर में देख रही हूँ तो दूध वाला भी पहुँच गया दूध देने के लिए. मैंने बोला ये क्या हो रहा है यार, और ये सब 9:30 बजे के बाद हुआ है. तो जो गलतियाँ ये लोग कर रहे हैं, जो ना समझी ये लोग कर रहे हैं मेरे, वो चीज़ें आप ना करें. आप औरों को भी समझाएं कि जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया है वो हमारे बेनिफिट के लिए ही है, ठीक है. और वो कोई ये तो नहीं कह रही ना कि हमें कुछ ये वो करना है, वो सिर्फ गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें सिर्फ अपना ध्यान रखना है, ठीक है ना. तो आप लोग, मैं तो मतलब मैं एज ए सिस्टर ये चीज़ जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई मैं वो तो नहीं हूँ. तो अगर आपको अपने आसपास ऐसा कोई इंसान समझ आता है कि जो इस चीज़ को ना फॉलो कर रहा हो या सपोर्ट ना कर रहा हो, तो आप उसको समझाएं कि ये सब जो हो रहा है ये हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है. गवर्नमेंट कोरोना वायरस को लेके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं. कोई कह रहा है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी दिखाई जा रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो है, महामारी है ना. और बहुत सारी कंट्रीज़ लॉकडाउन रखे हैं. मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरे मेरी छोटी बहन, ये सब फॉरेन कंट्रीज रहते हैं. सिर्फ एक मैं ही हूँ जो बैंगलोर रहती हूँ, बाकी सब बाहर रहते हैं. मम्मी भी बाहर गई हुई है, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न, मेरी छोटी बहन भी मेलबर्न रहती है, मेरा भाई दुबई रहता है, सब बाहर हैं. और वो बता रहे हैं कि वहाँ पे तो हड़कंप मचा हुआ है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में तो ज़्यादा ही बचा हुआ है. मेरा मानना ये है कि कोरोना वायरस को लेकर जो मर्जी जो बोले, पर मेरा ये मानना है कि क्या विचार है किसके, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, पर मेरा मानना यह है कि गवर्नमेंट हमें जिस तरीके से रहने के लिए कह रही है हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए. अगर गवर्नमेंट हमें कह रही है कि हमें अपना ध्यान रखना है, अपने इम्यूनिटी सिस्टम का ध्यान रखना है, हमें भीड़ से दूर रहना है, हमें सफाई रखनी है, हमें अपने हाथ धोने हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें करना चाहिए ना वो सब चीज़. और एक तो आप सब लोग ये सारी चीज़ें फॉलो करना, ठीक है, अपने आसपास के लोगों को भी समझाना. और दूसरी चीज़ जो मुझे समझ आ रही है आफ्टर माई अवेकनिंग, तो जो बहुत सारे लोगों को भी समझ आ रही होगी, वो चीज़ को मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, कि मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि जो हो रहा है वो कुछ सही के लिए हो रहा है, वो परिवर्तन के लिए हो रहा है. और उस चीज़ को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रही हूँ, जो मैं इतने टाइम से चिल्ला चिल्ला के अपने वीडियोस में 10-11 महीने से कह रही हूँ कि अवेकनिंग हो रही है, परिवर्तन आएगा. नवंबर मंथ में भी मैंने बोल दिया था कि 2020 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर. इवन मेरे पास कुछ साइकिक पावर्स है जिसके थ्रू भी मुझे पहले ही पता चल गया था कि 2020 में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी. बट दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं, फियर की एनर्जी में रहने की जरूरत नहीं. जो गवर्नमेंट कह रही है उस हिसाब से चलना है आप लोगों ने, वो रूल रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, अपने आप को सुरक्षित रखना है. और जो हो रहा है वो परिवर्तन के लिए हो रहा है, वो अच्छे के लिए हो रहा है. आने वाला टाइम जो होगा वो अच्छा ही होगा. हर इंडिविजुअल ने संभालना है अपने आप को, अपने परिवार को. और दोस्तों, मेरे 5,500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो इस खुशी में मैं कुछ छोटा सा चीज़ देना चाहती हूँ कुछ कुछ लोगों को, जिनमें से 5 लोग मैंने सोचे हैं कि उनको मैं दूंगी, जिनमें से एक विनीता जी हैं दिल्ली की,
उनका उनका नंबर भी है एक्चुअली में मेरे पास, एक राहुल जी करके उसकी बड़ा सा सरनेम है, मुझे याद नहीं है उसका सरनेम, वो बहुत कमेंट करता है। कुछ दिनों पहले उनके ब्रदर भी एक्सपायर हो गए थे, उनको मैं एक बुक बताऊंगी मैं। और एक राजा जी हैं कोलकाता से, और दो लोग और, पांच लोगों को ना मैं अपनी तरफ से बुक्स जो है वो देना चाहती हूँ एज ए गिफ्ट, 5,500 सब्सक्राइबर होने के की खुशी में। सो तीन चार बुक्स के जो ऑप्शन हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपको जो बुक अच्छी लगे मुझे बताना। मेरी तरफ से जो ऑप्शन है वो ये बुक है, भगवद गीता। तो मैं ये दान मतलब वो करना चाहती हूँ, ये अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं तो उससे हमारा शरीर बनता है ना, वैसे ही हम जब कुछ अच्छा चीज़ पढ़ते हैं तो उससे हमारे माइंड को एक डायरेक्शन मिलती है, रीप्रोग्राम होता है माइंड, ठीक है। और ये बुक्स जो है बहुत हेल्प करती है हमारे माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। तो जब मैंने सोचा कि मैं पांच लोगों को बुक देना चाहती हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लोगों के नाम नहीं पढ़ने पड़े, मेरे अंदर से आने लगे, क्योंकि सबके नाम मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे मालूम है कि कुछ लोग मेरे से भी बहुत आगे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा मेरे से पीछे हैं, कुछ लोग बराबर पे आ गए हैं, है ना, अवेकनिंग वाले ही सारे लोग हैं। तो एकदम से नाम जो है ना वो उचक उचक के आया, जैसे राहुल जी करके नाम आया, राजा जी नाम आया, विनीता आई, और दो लोग और, उनका नाम भी मैं डाल दूंगी इसमें कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि किनको मैं देना चाहती हूँ ये बुक्स। तो भगवद गीता ऑप्शन मेरी तरफ से है, बाकी कुछ और बुक्स भी डालूंगी, उनमें से जो आपको पसंद हो वो आप मुझे बता देना, और अपना एड्रेस मुझे सेंड कर देना, मैं आप लोगों को ये बुक्स पहुँचा दूंगी, ठीक है। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।